गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम व्यंजन संधि के नियमों के बारे में करेंगे। सबसे पहले आप एक बार वर्ण तालिका में, ये कुछ वर्ण मैं आपको बताता हूँ, इनको समझिए। सपर्श जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, क से मैं तक। क को जो क वर्ग है उसमें 5 व्यंजन हैं, क ख ग घ ङ, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ओ, ठीक है। ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम है उसको हम प्रथम स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं, और प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय व्यंजन है उसको हम तृतीय स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। संधि में इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। इसके पश्चात य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन हैं, 4 हैं, और इसके पश्चात श, श, स है, ये ऊष्म व्यंजन हैं, इनकी संख्या भी 4 है। इसमें देखिए जो तालव्य स होता है, जो घुंडी वाला स होता है उसको हम तालव्य स कहते हैं, और षटकोण वाले स को मूर्धन्य स, और र वाले स को आप दंत्य स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पहला नियम देखिए, प्रथम स्पर्श व्यंजन को तृतीय हो जाना, यानी क को ग हो जाना, च को ड हो जाना, त को द हो जाना, और प को ब हो जाना। इसके लिए मैं आपको सूत्र लिखवा देता हूँ, आप लिख सकते हैं क, च, ट, त, प, इन सब को तृतीय में बदल जाना, अपने ही वर्ग का तृतीय, यानी क को क वर्ग का तृतीय हो जाएगा। उदाहरण के लिए दिक् जमा अंबर, दिक् जमा अंबर। अब यहाँ कहा यह कहा गया है कि अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए, या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आ जाए, या फिर यह रव है, इनमें से कोई व्यंजन आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा, प्रथम को तृतीय हो जाएगा। दिक् जमा अंबर, यहाँ पर क के बाद स्वर आया है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। इसी तरह तृतीय वर्ण का भी उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे मान लो वाक जमा में दान, वाक जमा में दान। स्पर्श व्यंजनों में क वर्ग का प्रथम वर्ण आ गया है, और दूसरी तरफ त वर्ग का तृतीय वर्ण, तय, थ, द, तो ऐसे में भी प्रथम को तृतीय हो जाएगा, क को ग हो जाएगा, वाग्दान, ठीक है। ये था अपना नंबर, नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2 में क्या होता है, प्रथम स्पर्श व्यंजन को कभी कभी पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम का मतलब हुआ, जैसा मैंने वर्ण तालिका में आपको बताया था कि ये सारे के सारे जो होते हैं वो पंचम हैं, प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ण होता है, जो नासिका द्वारा बोला जाता है, ङ, ञ, ण, न और म। तो प्रथम को पंचम हो जाना, इस नियम को आप देख सकते हैं, प्रथम को पंचम कैसे होता है। देखिए यदि प्रथम स्पर्श व्यंजन हो और उसके बाद या तो मैं आ जाए या तो ने आ जाए, ऐसी अवस्था में क्या होता है, प्रथम को पंचम हो जाता है। जैसे सट जमा में मास, सट जमा मास, प्रथम स्पर्श व्यंजन आ गया, इसी वर्ग का पंचम हो जाएगा, इसकी जगह ट वर्ग का पंचम होता है अण, तो ट को ण हो जाएगा सनमास, सनमास। तो इस तरह से प्रथम को पंचम हो जाता है। तीसरा नियम देखिए, त को च, ज
जो त वर्ण है उसको च ज ट ड ल छ द आदि होना, ये थोड़ा लंबा नियम है, इसको समझने के लिए देखिए इन सबको मैं एक एक करके लेता हूँ कि त को च कब होता है। अगर त वर्ण के बाद च अथवा छ आ जाए तो ऐसे में त को च हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, उत्जमा में चारण तो क्या हो जाएगा उच्चारण, ऐसे में त को च हो गया है। उत्जमा में मान लीजिए अगर च के बाद छ आ जाता है तब क्या होगा, त के बाद छ आ जाता है तब भी त को च हो जाता है। जैसे उत्जमा छिन्न, उत्जमा में छिन्न तो उच्छिन्न, ठीक है, तो ऐसे में भी चय ही होगा, तय को चय हो जाएगा। इसके बाद अगला नियम देखिए, इसी का अगला भाग है, तय को जय और जय कब होता है, तय को जय कब होता है। अगर तय वर्ण के बाद जय या झ आ जाए तो तय को जय हो जाता है। जैसे उत जुमा में ज्वल तो क्या हो जाएगा उज्ज्वल। इसके बाद अगला नियम है, तय को तय के पश्चात टय या ठय आ जाए तो तय को टय हो जाता है। जैसे तत् जमा में टीका तो हो जाएगा तट्टीका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तट्टीका। इसके बाद अगला जो नियम है वो है, अगर तय के बाद ड या ढ आ जाए तो तय को ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए उत्जुमा में डयन तो तय के बाद ड आने पर तय को भी ड हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन हो जाएगा, ठीक है। तय को ल, अगर तय के बाद सॉरी हाँ तय को ल, तय के बाद अगर ल आ जाए तो तय को ल हो जाता है। जैसे उत्जुमा में लास तो हो जाएगा उल्लास। तय को ताल्व शय होना अगला नियम है, तय को तय के बाद अगर ताल्व शय आ जाता है तो तय को चय हो जाता है और शय को छय हो जाता है। जैसे सत जमा में शास्त्र तय के बाद शय आ गया है, ऐसे में तय को छय और शय को छय हो जाएगा सच्छास्त्र। तय को छय और शय को छय, बाकी ज्यों का त्यों, सच्छास्त्र, ठीक है। इसके पश्चात है अगला नियम, मान लीजिए तय के पश्चात है आ जाता है तो तय को द और है को ध हो जाता है। जैसे उत्जमा में हरण तो तय के बाद है आता है, तय को द और है को ध, उद्धरण, उद्धरण। यहाँ सिर्फ लिखने का फर्क है, आप इसको दूसरे तरीके से भी देख लिख सकते हो, उ द ध र ण, वस्तुतः ये इस तरह से होता है उद्धरण, ठीक है, एक ही बात है, पर इसको इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। धन्यवाद। व्यंजन संधि के इसके अतिरिक्त भी कुछ नियम हैं, वो हम अगले वीडियो में कराएंगे।